हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश को लाल डोरा मुक्त कराने की योजना लागू की गई थी। हर गांव की जमीन की ड्रोन से मैपिंग की गई। यह मुख्यमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना थी जिसके तहत प्रदेश के गांव को लाल डोरा मुक्त किया गया। गांव में जमीन को लेकर आपसी विवाद ना हो, इसको देखते हुए लाल डोरे को खत्म कर जमीन की रजिस्ट्री का कार्य किया गया। लाल डोरे में रेवेन्यू विभाग के पास जमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं था, जिसका कब्जा था वह उसी की थी, उसकी कोई रजिस्ट्री नहीं होती थी। इस योजना के तहत जमीन का मालिकाना हक दिया गया। यह जानकारी देते हुए भारतीय सर्वेक्षण विभाग से सरदार गुरदीप सिंह भल्ला ने बताया कि LSM स्कीम के तहत प्रदेश की पूरी जमीन का नक्शा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गांव की रिहायशी जमीन को तो लाल डोरा मुक्त किया जा चुका है। अब इस स्कीम के तहत एग्रीकल्चर लैंड, गांव के चारों तरफ जो भी तालाब नदी जंगल आदि आते हैं, प्रदेश की पूरी जमीन का नक्शा तैयार किया जाएगा। ये भारत सरकार द्वारा जो प्रोग्राम लाल डोरा का शुरू किया था, स्वामित्व योजना एक वे उसका था, वो करनाल एरिया में पूरा हो गया है। उसी के साथ अब ये LSM का कार्य चल रहा है, जिसको लार्ज स्केल मैपिंग कह रहे हैं। उसके अंदर ये सारे गांव नक्शे बन रहे हैं और ये पूरा अपडेट हो जाएगा। अब ये गांव तो सारे ही ख़त्म हो चुके हैं, जितने थे लाल डोरा सारा ख़त्म हो गया है सभी गांवों का। उनको अपनी रजिस्ट्रियाँ मिल रही है, स्वामित्व योजना जो थी। करनाल में जो लाल डोरा का काम था वो 100% कंप्लीट हो चुका है ड्रोन का, और जो सर्वे ऑफ इंडिया ने करके देना था वो कर रहे हैं। इसका LSM का कार्य जो है 70% के करीब कंप्लीट हो चुका है करनाल एरिया में। 30% एरिया इसका बचा हुआ है, जिसका कार्य प्रगति पर है। ये अपडेट करने के लिए ही कर रही है सरकार, का रेवेन्यू का जो भी है इससे रेवेन्यू का पूरा अपडेट करेंगे। इससे तो यही फ़ायदा है कि जो उनका ऑनलाइन जो रिकॉर्ड है वो सारा हो जाएगा, और उनको अपना मालिकाना जिस तरह से रिकॉर्ड दिया गया है हक लाल डोरे का, वो पूरा उनको मिल गए हैं। तो कुछ है ये तो सरकार, हरियाणा सरकार ही इसके बारे में तो बताएगी। हमारे को तो सर्वे करने के लिए जो बोला गया है हम उनको उनका करके दे रहे हैं, सेंटर गवर्नमेंट के हैं। तो ये काम कब तक ख़त्म होगा, इसके बारे में क्या? ये इसके बारे में 2-1 महीने में ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर।